का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। रामायण काल में जब रामचंद्र भगवान जी के द्वारा सीता जी को त्यागा गया था तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज मैं आप सबको लेकर आया हूं हरियाणा राज्य के करनाल जिले के करनाल शहर से लगभग 18 किलोमीटर के ऐसे गांव में जहां के लोगों का मानना है कि यहां पर वर्षों पहले भगवान श्री वाल्मीकि जी की कुटिया हुआ करती थी। जिस टाइम यहां पर घने जंगल थे और उस कुटिया में भगवान वाल्मीकि जी रहा करते थे और साथ में उनके रहती थी माता सीता। कहते हैं कि यहीं पर माता सीता ने लवकुश जी को जन्म दिया था। तो अभी हम चलेंगे इस तीर्थ के अंदर और जानेंगे यहाँ का रहस्य। यह तीर्थ पृथ्वी तीर्थ के नाम से देश भर में मशहूर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं इसका पौराणिक महत्व। तीर्थ का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहता है कि मंदिर पुराने समय से है। यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है और साथ में है यहाँ पर अभी कार्य चला हुआ है। पूरा का पूरा तीर्थ को नए तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। यह तीर्थ बालू गांव में स्थित है। बालू गांव जिसका नाम भगवान वाल्मीकि के नाम पर रखा हुआ है। वामन पुराण में यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति तीर्थ पर आएगा और उसने अभी तक जितने भी पाप किए हैं मात्र इस तीर्थ में नहाने से वह सभी पापों से मुक्ति पा लेगा। और इस तीर्थ की पौराणिक मान्यता यह है कि रामायण काल में यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत घना जंगल था। उस समय जब श्री राम जी ने माता सीता का त्याग किया तो माता सीता यहीं पर आकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी थी। यहीं पर उन्होंने लवकुश अपने दो पुत्रों को जन्म दिया। यह तीर्थ बालू गांव में स्थित है और यह भी कहा जाता है कि इस गांव का नाम भगवान वाल्मीकि के नाम की वजह से ही बालू रखा गया है। तो अभी हम आपको मंदिर के अंदर ले जाएंगे और कराएंगे आपको यहाँ की पौराणिक कथा से रूबरू। दोस्तों, आश्रम में यह जो प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर बहुत प्राचीन है जिसे देखकर ही लगता है कि मंदिर पुराने समय से है। यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है और साथ में है नंदी जी महाराज। और अभी हम आपको ले जाएंगे महर्षि जी के आश्रम के अंदर और वहां पर महंत जी से करेंगे वार्तालाप और जानेंगे इस तीर्थ का पौराणिक महत्व। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत खूबसूरत है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करते रहिएगा। यह वट वृक्ष जो यहां पर काफ़ी सालों से ज्यों के तू खड़ा हुआ है। मंदिर की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर आने वाले हर एक यात्री हर एक श्रद्धालु का सम्मान किया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है। जाति पाति का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और यहाँ पर कार्तिक मास की अमावस्या पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर भाग लेते हैं और यहाँ पर आने वाले हर एक श्रद्धालु का यह भी कहना है कि यहाँ पर जो सरोवर है उस सरोवर में स्नान करने से चमड़ी के रोग वगैरह सभी दूर हो जाते हैं और इंसान अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। तो दोस्तों, अभी हम चलेंगे आश्रम के अंदर और जानेंगे यहाँ से यहाँ के महंत द्वारा यहाँ का पौराणिक महत्व। नमस्कार जी, हमारे दर्शकों को आप पृथ्वी तीर्थ के बारे का रहस्य बताइए जी, पौराणिक महत्व क्या है इस तीर्थ का और ये कहाँ पर स्थित है।
पृथ्वी तीर्थ बालू गांव जो करनाल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पर स्थित है। और पृथ्वी तीर्थ का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। रामायण काल में जब रामचंद्र भगवान जी के द्वारा सीता जी को त्यागा गया था तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। तो वाल्मीकि जी का आश्रम इसी पृथ्वी तीर्थ पर था और ये वाल्मीकि भगवान जी की तपोस्थली रही है। इसी स्थान पे जो है मान्यताओं के अनुसार लव और कुश का जन्म हुआ था, परंतु सरकार की उपेक्षा के कारण ये स्थान इतना प्रचार नहीं पा सका। और अब हमारी सभी गांव वालों के साथ हम सब की यही कोशिश है कि इस स्थान को पूरे हरियाणा क्षेत्र में जाना जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी इस तीर्थ में धनराशि लगा रहा है, लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि हमारे इस तीर्थ के लिए आई हुई है, तो उसका कार्य अभी चला हुआ है। और ये जो तीर्थ है, ये सरोवर है, इसमें मान्यता है जैसे लोगों को खारिश या इस तरीके की एलर्जी की बीमारी होती है वो भी इस तीर्थ में स्नान करने से समाप्त हो जाती है। और ये स्थान बाबा विद्यागिरी जी आज से कम 100 वर्ष पहले हुए, उन्होंने यहाँ पे साधना की, तपस्या की, और बाबा विद्यागिरी जी की भी यहाँ तपोस्थली रही है और उनका जागृत धुना आज भी विराजमान है। और बालू गांव के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ अन्य गांव के लोगों की भी जो यहाँ से आसपास के गांव हैं उनके भी आस्था बाबा विद्यागिरी जी के साथ जुड़ी हैं। और अभी हाल ही में इस स्थान पे माँ पीताम्बरा भगवती बगलामुखी जी की मूर्ति स्थापना भी हुई। और इस स्थान पे बनिए जो जाति है उसके अधिकतर जो पितरों के स्थान है इसी स्थान पे विराजमान है। और आने वाली दिवाली में यहाँ मेला भी लगता है। तो इसी ऐसे ये स्थान पृथ्वी तीर्थ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और ये सारे हमारे जो 48 कोस यात्रा उसमें भी शामिल है। धन्यवाद जी। दोस्तों अभी महर्षि जी ने बताया इस तीर्थ का महत्व, और अभी हम आपको दिखाएंगे वो पवित्र सरोवर जहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं, और साथ में दिखाएंगे यहाँ पर पितरों की समाधियाँ। तो चलिए चलते हैं सरोवर की तरफ और दिखाते हैं आपको वो सरोवर और पितृ समाधियाँ जो यहाँ पर बनी हुई है। अभी हम आपको ले जा रहे हैं उस पवित्र तीर्थ के पास जहाँ पर कहा जाता है कि इस तीर्थ के पानी में अगर स्नान किया जाए तो व्यक्ति के चर्म रोग आदि से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों यही वह तीर्थ है, लेकिन अभी यह सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मरम्मत का कार्य चला हुआ है। पूरा का पूरा तीर्थ दोबारा तैयार किया जा रहा है। प्राचीन काल का यह तीर्थ जो कि धीरे धीरे मिटता जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ के गाँव वासियों ने यह ठाना है कि इस तीर्थ को दोबारा तैयार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तीर्थ के बारे में जान सके, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों वीडियो में जिन पितरों की समाधि का जिक्र हमने आपको किया था यही वह समाधियां हैं। यहां पर बनिया जाति रहती है, ज़्यादातर उनकी ही समाधियां यहां पर बनी हुई है। यह पितरों की समाधियां पितृ देवता जिनको कहा जाता है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पृथ्वी तीर्थ के बारे में जान सके।
करनाल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह पृथ्वी तीर्थ है जो कि गांव बाड़ों में स्थित है। इस गांव का नामकरण भी भगवान वाल्मीकि जी के नाम से हुआ है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। इसी के साथ जय भगवान वाल्मीकि जी की।